हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 5 के गणित, जिसमें हम सीख रहे थे बच्चों अध्याय 2, जिसका नाम था जोड़ घटाव। तो बच्चों इसका हम 8वां भाग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जोड़ घटाव और जिसके उदाहरण हम कर रहे थे। उदाहरण नंबर 7 देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक फैक्ट्री में संख्या दे रखी है, एक फैक्ट्री में भारतीय अंक दे रखे, क्या संख्या दे रखे? एक फैक्ट्री में सोमवार को क्या बनती है, एक जो संख्या दे रखी है 3242, 3242, 3242 माचिस की डब्बियां बनती है। फिर क्या दे रखा है, माचिस की डब्बी बनती है। और मंगलवार को क्या होता है, 5579 माचिस की डब्बियां बनती है। तो क्या बताना है आपको, इन दोनों में कुल कितने दिनों की संख्या, इन दोनों की संख्या ज्ञात करने की, इन दोनों में कुल कितनी डिब्बियां बनी है। तो बच्चों आपको क्या करना है, 9 और 2 11 क्या कर सकते हैं हम, जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जोड़ का चिन्ह लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए 9 और 2 11। तो सबसे पहले 11 का 1, और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 11 का 1, तो हमने क्या क्या हासिल का 1 लगा दिया। फिर क्या करना है हमें, फिर चलना है 7 और 4 11, और 1 होते हैं 12, तो 12 का 2 और हासिल का 1। अगली वाली संख्या पर चलते हैं, फिर से 1 लगा दिया। फिर आपको संख्या दिखाई दे रही बच्चों, जैसे 5, 5 और 2 कितने रहते हैं 7, 7 और 1 हासिल वाला 8। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हम क्या कह सकते हैं, अगली वाली संख्या देखो, जैसे आपको दिखाई दे रही 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो बच्चों हमने विशेष सीखा, भारतीय अंकों को सीखा, थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार देखो आप मेरे साथ किस प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ पेज पे चलते हैं, अगले वाले पेज पर, जिससे कि हम देख सकते हैं क्या कर सकते हैं बच्चों, हम देख सकते हैं किस प्रकार से हम इस अंकों को लिख सकते हैं। सबसे पहले अंक देखिए, हम भारतीय अंकों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंक दे रखे हैं आपको 1, 1 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर लिख सकते हो 2, 2 को किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर 3, 3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर 4, 4 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर 5, 5 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर आपके सामने दे रखा है 6, 6 को क्या इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, 6 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं आगे 7, 7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, क्या कर सकते हैं, 7 को लिख सकते हो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। एक बार पुनः देखिए मेरे साथ में, 7 को किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं 8, 8 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों, 8 को आप लिख सकते हो इस प्रकार से। फिर अंत में दे रखा है 9, हमें क्या करना है, हम 9, 1 से लेकर 99 तक सारी संख्याओं का मान इसी संख्या से निकाल सकते हैं। 9 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, बहुत ही इजी है, पीछे से गोला बनाया और ये 1, 9 बना दिया। तो हमें संख्या क्या दे रखी थी बच्चों, इसी पेज पर देखो, सबसे पहले सोमवार को जो संख्या दे रखी थी वो हमें याद करनी है। सोमवार को जो डब्बियां बनी थी वो कितनी थी बच्चों, क्या थी, 2342। सबसे पहले 3242 क्या थी, 3242 संख्या थी। फिर उसके बाद में क्या है, तो हम किस प्रकार से लिख सकते हो, उसके बाद में फर्स्ट डे तो ये, और सेकंड डे क्या थी, मंगलवार को कितनी थी, 5579 ये संख्या थी। इन दोनों को हमें क्या करना था, जोड़ करना था बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, संख्या लिख सकते हो। तो 3 को किस प्रकार से लिख सकते हो, 3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो बच्चों। फिर दूसरी संख्या आती है 2, तो आप 2 को इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर आगे संख्या दे रखी है आपको 4, तो आप 4 को इस प्रकार से लिख सकते हो। और आगे जो संख्या दे रखी है फिर से पुनः 2, तो 2 को किस प्रकार से लिख सकते हो, इस हिसाब से हम 2 को लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार पुनः देखिए, 2 को बड़े ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से हम 2 को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर संख्या दिखाई दे रही है, इसके नीचे हमें क्या जोड़ना है, 5, तो 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। पुनः दे रखा है आगे संख्या 5, 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके आगे संख्या दे रखी है आपको 7, तो 7 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर क्या दे रखा है, 9, तो 9 को हम इजी वे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़ करना है। तो बच्चों जिस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, 9 और 2 होते हैं 11, 11 का होता है 1, तो हम 1 किस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 और 2 11, 11 का 1 किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार देखिए, अब बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हो 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हासिल का 1 यहाँ लगा दिया, ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं बच्चों 7 और 4 11, 11 और 1 कितने होते हैं 12, 12 का 2 हासिल का 1, ठीक है। किस प्रकार से लिख सकते हैं, हासिल का 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर क्या है, 5 और 2 7 और 1 कितने होते हैं 8, तो आप 8 को इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको 3, 3 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 8, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। अतः हम ये कह सकते हैं बच्चों की जो सोमवार को और मंगलवार को जो डिब्बियां प्राप्त हुई थी वो हमें ये प्राप्त हुई थी, क्या हुई थी बच्चों, सोमवार को और मंगलवार को जो हमें डिब्बियां प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार से प्राप्त हुई थी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे, अब हमें आगे क्या करना है,
अभ्यास प्रश्न करने हैं। अभी तक ये हमने चैप्टर पूरा पढ़ा, अब हम क्या करेंगे अभ्यास प्रश्न बच्चों। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्नों की संख्या आपको दिखाई दे रही है बच्चों, जैसे कि आप कह सकते हो। अभ्यास प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। क्वेश्चन नंबर एक क्या दे रखा है, सबसे पहले निम्नलिखित संख्याओं को हल करें। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को हल करना है जिसमें आपको संख्या दिखाई दे रही है। संख्या दिखाई दे रही है, क्या कह रही है संख्या, बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, जोड़ करना है। 2942 में क्या करना है आपको, 1056 जोड़ने। क्या करने हैं, 1056 जोड़ने। तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम जोड़ करते हैं, तो पीछे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किस प्रकार से कर सकते हैं, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 8। क्या प्राप्त होंगे, 8। हम इस प्रकार से 8 लिख सकते हैं। फिर चलते हैं आगे की संख्या पर। आगे की संख्या आपको दिखाई दे रही है 5। 5 में आपको क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है बच्चों। क्या करना है, 5 में आपको 4 जोड़ना है। जैसे यह 5 में 4 जोड़ते हो बच्चों, तो आपको प्राप्त होते हैं 9। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 9 लिख सकते हो बच्चों। आप मेरी आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में ऐड करते हैं, जिस प्रकार से हम अभ्यास प्रश्न करने हैं, आप भी अपने अपने साथ आप भी अपनी नोटबुक में इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं मेरे साथ में। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, 0 में 9 जोड़ना है। किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली संख्या पर। कौन सी, हजार की संख्या आप दे रखी है। आपको क्या करना है, 1 में 2 जोड़ना है बच्चों। क्या करना है, 1 में 2 जोड़ना है। तो हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे ही हम 1 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 3 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। अतः बच्चों हमें 2942 को में 1056 जोड़ने पर हमें कितने प्राप्त होते हैं, 3998 प्राप्त होते हैं। आप भी अपनी नोटबुक में इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग क्या दे रखा है बच्चों, आपको दूसरी संख्या दे रखी है 7431 में क्या करना है, 1629 जोड़ना है। तो बच्चों किस प्रकार से जोड़ कर सकते हैं, जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें क्या करना है, दाहिनी तरफ से शुरू करनी है। मतलब क्या करनी, दाहिनी तरफ से शुरू करनी है। तो हम दाहिनी तरफ से यहाँ शुरू कर सकते हैं, और अंक दे रखा है इकाई अंक के नीचे इकाई अंक जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 9 में 1 जोड़ना है। जैसे ही आप 9 में 1 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 10। 10 का आप लिखोगे 0, हासिल का एक का चला जाएगा दहाई की संख्या पर, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर। संख्या दिखाई दे रही है आपको 3। 3 में क्या करना है आपको, 2 जोड़ना है। 3 और 2 होते हैं 5, और एक हासिल वाला 6। इस प्रकार से आप 6 लिख सकते हो। ठीक है, फिर ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं सैकड़े के अंक पर। जो सैकड़े का अंक दिखाई दे रहे हैं आपको 6। 6 में क्या जोड़ना है बच्चों, आपको 4 जोड़ना है। जैसे ही आप 6 में 4 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 10। 10 का आप लिख सकते हो 0, हासिल का 1, अगली वाली संख्या पर लिख सकते हैं। फिर बच्चों क्या करना है, संख्या दिखाई दे रही है आपको हजार वाली। हजार वाली संख्या दिखाई दे रही है, आपको क्या करना है, 1 में 7 जोड़ना है बच्चों। जैसे ही आप 1 में 7 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 8, और एक हासिल वाला क्या होता है, 9। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ हमें लिखने जोड़ने पर हमें क्या संख्या प्राप्त हुई, 9060 प्राप्त हुई। तो बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 1 और भाग 2 किया। आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ ऐड करते जाए। आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है आपको, स्वयं करना है अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जोड़ करना सीखा, अब हम चलते हैं भाग की पर। क्या करते हैं, घटाना, जिसे हम कहते हैं घटाना, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में माइनस। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे अगली वाली संख्या पर। क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग। संख्या क्या दे रखी है बच्चों, 5146 घटाने हैं आपको। क्या करना है, 5000 में से 3146 घटाने हैं। जैसे ही आप घटाओगे बच्चों तो आपको माइनस प्राप्त होगा। तो हम किस प्रकार से घटा सकते हैं, सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार से घटा सकते हैं। हम क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी अंक में से छोटा अंक घटाते हैं। अब देखो बच्चों, आपको दे रखा है 0। 0 में से आप क्या कर सकते हो, 6 नहीं घटा सकते हो। तो सब आप क्या करोगे, अगली वाली संख्या से उधार ले सकते हो। क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो। जैसे ही हम इससे एक उधार लेंगे तो आपको प्राप्त होंगे कितने, जैसे ही हम इससे एक उधार लेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 10 बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, और 10 में 6 आसानी से जा सकते हैं। तो जैसे ही हम 10 में से 6 माइनस निकालेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 4। कितने प्राप्त होंगे, 4 प्राप्त होंगे बच्चों। फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर। संख्या क्या दिखाई दे रही है आपको, अभी तक हमने एक इससे उधार लिया, फिर हमें इसकी पीछे वाली संख्या ये हो गई 10, तो इसके पास में क्या हो गया, 9 हो गया ना बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं, 9 में से 4 जाएंगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे, 5 प्राप्त होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर। अगली वाली संख्या पर चलते हैं, फिर दिखाई दे रही है आपको 0। 0 में से क्या कर सकते हैं, हम 1 नहीं निकाल सकते, तो हमें यहाँ
इसको एक दिया तो कितने बने 10, और 10 के पीछे वाली संख्या होती है 9, 9 में से हमने 5 चार घटाए तो आपको प्राप्त हुआ 5। फिर चलते हैं, क्या आपको संख्या दिखाई दे रही है? फिर अंतिम बात यही होती है, इसके पीछे वाली संख्या दिखाई दे रही है वो भी कितनी थी 10 के, इसको देने के बाद में क्या बचा 9, 9 में से जैसे ही एक घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 8। ठीक है बच्चों, फिर आगे संख्या दिखाई दे रही है आपको 5, पहले थे 5, 5 में से क्या कर दिया एक उधर दे दिया तो इसके पास में बचा 4, 4 में से हम 3 घटा सकते हैं आसानी से, जैसे ही हमने 4 में से 3 घटाए तो आपको प्राप्त हुए 1 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं बच्चों के 5000 में से 3146 घटाते हैं तो आपको 1854 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पहला भाग क्वेश्चन नंबर 1 का छठा भाग दे रखा है, क्या करना है बच्चों 8808 में से 5303 घटाने, क्या करना है बच्चों बहुत ही इजी है, क्या करना है 8 दे रखा है, 8 में से आप 3 घटा सकते हो, जैसे ही आप 8 में से 3 घटाते हो तो आपको 5 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है अगली संख्या दे रखी है 10 की, आपको क्या करना है 0 में से 0 घटाना था, 0 ही प्राप्त होगा। फिर अगली वाली संख्या दे रखी है, क्या करना है पुनः जो पीछे इकाई का अंक दे रखा है वही अंक दे रखा है सैकड़े का, 8 में से क्या करना है आपको 3 घटाना है, तो जैसे ही आप 8 में से 3 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 5। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं आगे की संख्या पर, क्या करना है जो आगे की संख्या दे रखी है 1000 की संख्या वो हमें करना है 8 में से 5 घटाना है, तो 8 में से आप 5 घटाते हो तो आपको पीछे 3 प्राप्त होते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं 8808 में से 5303 घटाने पर हमें 3505 प्राप्त होते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने दो उदाहरणों के माध्यम से जोड़ सीखा तथा दो क्वेश्चन जोड़ के किए, फिर क्या करना है आपको पीछे के जो दो क्वेश्चन बचे कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्या करना है आपको होमवर्क के रूप में कार्य करना है, क्या करना है होमवर्क के रूप में कार्य करना है, स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए, क्या किए निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है आपको जोड़ना है, तो संख्या क्या दे रखी है आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 संख्या कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग क्या दे रखा है आपको 8725, क्या है 8725, 8725 में क्या करना है 8725 इसमें क्या करना है आपको 907 जोड़ने हैं, क्या करना है 907 जोड़ना है बच्चों। ठीक है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो पहला भाग बहुत ही आसान है, क्या करना है आपको जैसे ही आप साथ में 5 जोड़ते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होते हैं 12, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 का हम लिख सकते हैं 2, हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं दहाई अंक की संख्या को जोड़ना सीखते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं 3, 0 में हम किसी भी संख्या को जोड़ते तो हमें वही मान प्राप्त होता है, 2 और 1 होते 3 तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है आपको सैकड़े की संख्या पर चलना है, क्या करना है आपको सैकड़े का अंक जोड़ना है, जो संख्या दिखाई दे रही है 7, 7 में अगर आप बच्चों 9 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 16, क्या प्राप्त होते हैं जैसे ही आप 7 में 9 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 16, 16 को आप लिख सकते हैं 6, हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली वाली संख्या दिखाई दे रही है, जो क्या 1000 की संख्या दिखाई दे रही है, हमें क्या करना है 8, आगे कोई संख्या तो देनी लिखी है 8 और 1 क्या हासिल वाला 9, तो हम 9 को इस प्रकार से उतार सकते हैं, अतः इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 9632 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, अब आपको क्या करना है 7685 में से 2108 जोड़ने, क्या करने 7685 में 2108 जोड़ने, तो सबसे पहले देखो बच्चों चलते हैं पेज पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग 7685 में क्या करना है 2108 जोड़ने हैं आपको, क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है इन संख्याओं को, तो आप किस प्रकार से जोड़ सकते हो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं दाहिनी तरफ से जोड़ शुरू करते हैं, सबसे पहले 8 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 13, कितने प्राप्त होंगे 13, तो 13 का हम लिख सकते हैं 3, हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, 0 में हम किसी भी संख्या को जोड़ते हो तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, 8 और 1 होते हैं 9, हम लिख सकते हैं 9। फिर चलते हैं अगली संख्या पर, संख्या आपको दिखाई दे रही है सैकड़े की संख्या जो दिखाई दे रही है 6, 6 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 7।
ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं हजार की संख्या पर। हमें क्या करनी है, जोड़ करनी, जो बहुत ही आसान है, हम कर सकते हैं। सात दिखाई दे रहा है, साथ में अगर आप दो जोड़ोगे तो आपको नौ प्राप्त होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 7685 में से 2108 जोड़ते हैं तो आपको 9793 प्राप्त होते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर दो सॉल्व किया है, जिसके दो पार्ट कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। क्या करना है क्वेश्चन नंबर तीन पर, 5113 क्या है, 5113 प्लस 1999 प्लस 638 जोड़ना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। क्या दे रखा है तीन, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दो था, अभी तक हमने दो पार्ट कर लिए, अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर। इसमें तीन अंकों की संख्या दे रही है, क्या संख्या दे रखी है, सबसे पहले देखो 5113 संख्या दे रखी है। फिर क्या जोड़ना था हमें, 1999 जोड़ना था। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर। अगली वाली संख्या पर चलते हैं, संख्या आपको क्या दे रखी है, 638, 638 दे रखी है। फिर आपको क्या करना था, जोड़ना था बच्चों। जैसे ही हम जोड़ते हैं इनको, तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, हमने तीन अंकों की संख्या की जोड़ सीखी। सबसे पहले हम जोड़ते हैं तीन, तीन में हम नौ जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 12, 12 और 8 जोड़ोगे आप जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 20। क्या क्या प्राप्त होंगे, 20। हम इस प्रकार से 20 को लिख सकते हैं, 20 का 0 हासिल का 2 अगली वाली संख्या पर लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, 9, 9 और 1 होते हैं 10, 10 और 2 होते हैं 12, 12 और 3 क्या 15, 15 का 5 हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर से देखो बच्चों, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, 5, 5 में अगर 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 6 और 1 हासिल वाला 7। अतः क्या कह सकते हैं, इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7700 प्राप्त, संख्या 7750 प्राप्त हो। अभी तक हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर चार, क्या करना है क्वेश्चन नंबर चार, आपको होमवर्क के रूप में कार्य करना है बच्चों। अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।